नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में। तो आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं बोया BY-M1 माइक को, जो कि बिगनर यूट्यूबर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है वॉइस क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। तो दो तीन महीने पहले मैंने जब इसको फ्लिपकार्ट पे सर्च करा था तो ये मुझे पड़ रहा था 1699 रुपये का, लेकिन अभी मैंने जब इसे दो चार दिन पहले मैंने फ्लिपकार्ट में इसको सर्च करा तो ये मुझे देखा 899 रुपये का, और मैंने तभी के तभी बिना देरी के ऑर्डर कर दिया। अब ये माइक मेरे पास आ चुका है, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ इसकी अनबॉक्सिंग, इसके अंदर क्या क्या निकलता है, क्या क्या एक्सेसरीज निकलती हैं और कैसे ये यूज़ होता है, ये मैं आपको बताऊँगा। तो बने रहिए मेरे इस चैनल पे। सिक्स पॉइंट फाइव mm का जैक, ये एक सेल है जो कि अगर हमें ये माइक DSLR में लगा करके यूज़ करना होता है तो ये सेल हमें लगाना पड़ेगा। अगर हम फ़ोन में वीडियो बनाते हैं तो विदाउट सेल की वीडियो बन जाती है और वॉइस रिकॉर्ड हो जाती है। और ये क्लिप है जो हम कॉलर में अटकाते हैं। ये है दोस्तों हमारा माइक, जिससे कि हमारी वॉइस क्वालिटी बेटर होगी। अब इसके ऊपर हम लगा देते हैं नॉइस कैंसिलेशन रबर, आराम से लगाना है। जो कॉलर में अटकेगी इसको हमें बड़े ही हल्के से फिट कर देना है। ये हो गई फिट। अब यहाँ पर देखिए ये जो कैमरा मोड है, अगर हमें कैमरा मोड ऑन करना है तो हमें इस पर सेल डालना ज़रूरी है, बिना सेल डाले हुए ये कैमरा मोड ऑन नहीं होगा। और अगर हमें स्मार्टफोन पे यूज़ करना है तो ऑफ़ में भी ये चल जाएगा, तो हमें ऑन या ऑफ़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब सेल डालने के हमें क्या करना पड़ेगा, सेल डालने के लिए हमें इसे हल्का सा ऐसे करके खोलना पड़ेगा। ये देखो यहाँ पर डलेगा सेल, ये डोरी दिख रही है आपको, ये डोरी, इसको हमें बाहर निकाल लेना है। बाहर निकालने के बाद हमें क्या करना है, बाहर निकालने के बाद हमें इस डोरी को ऐसे सेट करना है। इसको डालने में यार बहुत मेहनत लगी है, बड़े ही ध्यान से और बड़े ही प्यार से डालना होता है। अब इस डोरी का देखिए क्या यूज़ है, इस डोरी का यूज़ ये है कि जब आपको ये सेल निकालना होगा ना तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, इस डोरी को हल्का सा खींचना और ये सेल गायब, अपने आप निकल जाएगा। और सेल डालते समय एक बात का और ध्यान रखना, इस सेल के पीछे देखो ये प्लस का निशान है हल्का सा, ठीक है, और इस साइड में ये रहा प्लस का निशान, तो इस प्लस के निशान को ऐसे करके ऐसे सेल डालना है, कहीं आप उल्टा डाल दो फिर को यार माइक चल नहीं रहा। इस बोया माइक की जो लेंथ है वो सबसे खास चीज़ है, 3 मीटर की लेंथ है इसकी। अब हम इसको ऐसे कॉलर में फंसाएंगे और ये देखिए इसकी लेंथ, कमीज के अंदर से फंसाएंगे और हमें जितना मर्जी चाहे इसको हम स्क्रॉल कर सकते हैं, तो हम इसको कितनी भी दूरी पर चाहे आप इसकी वॉइस रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए तार। तो कैमरा अगर एक कमरे के दूसरे हिस्से में रखा और आपको दूसरे हिस्से में बैठ के शूट करनी है वीडियो तो आप इस माइक को यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी ख़राब हो चुकी है क्योंकि अभी तक जो मैं वीडियो शूट कर रहा था वो शूट कर रहा था मैं iPhone XR से, तो iPhone XR में ये 3.5 mm का जैक जो है ये वो लगता नहीं है इस पर, तो इसलिए मेरे को यूज़ करना पड़ रहा है अपना Vivo V7 Plus। तो इसमें हम आपको अपनी वॉइस क्वालिटी की इम्प्रूवमेंट बताएंगे। तो अब मैं बताऊंगा आपको कि इस मेरे बोया माइक का फ़ायदा क्या है। इसमें जो ये एयर फिल्टर लगा हुआ है, ये एयर फिल्टर क्या करता है, ये बाहर की जो नॉइज़ आती है उसको ये रिफ्लेक्ट करता है, उस नॉइज़ को ये रिकॉर्ड नहीं करता। तो दोस्तों, अभी जो वीडियो शूट हो रही है इसमें यूज़ हो रहा है बोया माइक का। आप लोगों को ये लग रहा होगा कि जैसे मेरी पहले वॉइस आ रही थी वैसे अभी वॉइस आ रही है, लेकिन मैं आप लोगों को फील करा सकता हूँ कि बोया माइक की पावर क्या है।
तो अभी आपको मेरी वॉइस बढ़िया आ रही है, लेकिन जैसे ही मैं इस बोया के माइक को हटा देता हूँ तो मेरी आवाज़ हो गई है बदसुरी बेकार। तो आपको फील हो गया होगा कि बोया की पावर क्या है, क्योंकि हम जब जैसे ही कैमरा दूर रखते हैं तो दूर से हमारी वॉइस इतनी क्लियर नहीं आती है, और जो फ़ोन के अंदर माइक दिया गया होता है वो बिल्कुल चीप क्वालिटी का होता है, उसमें वॉइस इतनी क्लियर नहीं आती है। इसके रिगार्डिंग मुझे ये माइक लेना पड़ा ताकि मेरी वॉइस क्लियर आए, और अभी वॉइस मैं अपनी बढ़िया कर देता हूँ थोड़ी सी। हाँ, तो अब आप लोगों को मेरी वॉइस जो है वो बढ़िया आ रही होगी। इसका एक और फ़ायदा है, जैसे अभी तो मैं बंद कमरे में वीडियो शूट कर रहा हूँ तो बाहर की नॉइज़ जो है वो बिल्कुल ना के बराबर आ रही है। जैसे ही मैं कहीं रोड पे वीडियो शूट करने जाता हूँ या मैं कहीं पार्क वगैरह में वीडियो शूट करने जाता हूँ तो कैमरा मेरा दूर होगा और मेरे को दूर से ही वीडियो शूट करनी पड़ेगी, तो वॉइस क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आएगी। ऊपर से वहाँ पर जो बाहर की नॉइज़ होगी, जैसे ट्रक वगैरह चलते, गाड़ी वगैरह चलती हैं, तो उनकी भी नॉइज़ आएगी। ये क्या करेगा, उस नॉइज़ को भी कम कर देगा और जो मेरी आवाज़ है उसको ही पावर देगा। तो जैसे बाहर की जो नॉइज़ आती है, अब मैं उस नॉइज़ को कम तो कर नहीं सकता, लेकिन मैं इस बोया माइक का यूज़ करके अपनी जो ऑडियो क्वालिटी है उसको मैं बिल्डअप कर सकता हूँ, उसको मैं और अच्छा बना सकता हूँ ताकि मेरे व्यूवर्स को ऑडियो क्वालिटी अच्छी मिले। तो दोस्तों, ये हैं बोया माइक के फ़ायदे। तो जो बिगनर यूट्यूबर्स हैं उनके लिए ये एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है अपनी वॉइस को इम्प्रूवमेंट करने के लिए और अपनी वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा सा और बेटर करने के लिए। तो दोस्तों, बोया माइक की पावर अब आपको पता लग गई होगी कि ये वॉइस रिकॉर्डिंग करने में कितना ही ज़बरदस्त और कितना ही कारगर है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, मेरे चैनल को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और जो नए व्यूवर्स हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएँ।